राजेश सर आपके पास आता हूं। ये जो बार बार ये होता है कि सबसे बड़ा देशभक्त यदि कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बीजेपी है, वो जब दुनिया के देशों में जाते हैं तो भारत का आन मान शान बढ़ाते हैं, तमाम बातें करते हैं, और राहुल गांधी पहुंचते हैं तो देश का अपमान भी करते हैं, और देश का कहीं ना कहीं जो एक उसके साथ जो द्रोह जैसी बात भी अब होने लगी है। और उन्होंने जो वहां कहा था वो चाइना को लेकर जो तुलना है, जिस पर बहुत ज्यादा बवाल है, बाकी तो है ही, संघ पर प्रहार है और भी चीजों पर है, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया गया है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो हमें प्रोडक्शन में जिस तरीके से ध्यान देना था वो नहीं दे पाए, इसलिए चीन हमसे आगे। क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में होगा? आपकी टिप्पणी राजेश सर, और बाकी मोदी जी का जो देशभक्ति है उस पर भी साथ। अगर राहुल गांधी का ये कहना कि चीन जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमसे आगे है, वो अगर देशद्रोह की श्रेणी में आता है, तो जो हमारा इंपोर्ट चाइना से बढ़ा है बिजनेस के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर, वो किस श्रेणी में आता है? हर देश जो है दूसरे देश से व्यापारिक संबंध जो है वो रखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो भाजपा और भारत के बीच में अंतर नहीं कर पा रहा। वो जो है सारी चीजों को भाजपा के साथ जोड़कर देखता है। जब राहुल गांधी ये बात कहते हैं, एक विचार के बारे में कहते हैं कि इंडिया की आइडियोलॉजी क्या है, तो इंडिया कोई एक रंग, एक मजहब, एक भाषा, एक प्रांत, उस पर आधारित नहीं है। ये बहुत सारे लोगों की समावेशी विचार को लेकर एक गुलदस्ते की तरह जो संविधान देश का बना है उसके आधार पर चलने वाला देश है। तो ये लड़ाई जो है सिर्फ इतनी कि एक तरफ जो है वो एक नेतृत्व, एक पार्टी, एक भाषा, एक धर्म, एक विचार की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है सारे लोगों को जोड़ने की बात हो रही है। वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हो, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हो, जो राज्य है वो मेन स्ट्रीम के राज्यों से अगर पिछड़ा हुआ, जो सारों का जो है आवाज एक समान रूप से सत्ता तक पहुंचे और सत्ता उनकी बात को सुने, ये दोनों की लड़ाई है। और हम जो है वो दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं जो हमें संविधान कहता है। तो जो चुनाव के दौरान उन्होंने कहा, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा, चुनाव में परिणाम आने के बाद जो संसद में कहा, वही चीज जो है राहुल गांधी भी यहाँ अमेरिका में जाकर कह रहे हैं। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहले ऐसा था कि हिंदुस्तान में पैदा होने पर आदमी जो है अपना सर पीट लेता था कि मैं कहाँ पैदा हो गया। हमने तो कभी सर नहीं पीटा, हमें तो जो है हमारी मिट्टी से जो है बहुत लगाव रहा। जैसा भी देश है हमारा देश है, हमने कभी नहीं कहा कि हिंदुस्तान में पैदा होने से हमको शर्म आती है। लेकिन कोई व्यक्ति, देश का प्रधानमंत्री अगर विदेश में जाकर यह कहता है कि ये हिंदुस्तान ऐसा देश था, ये तो मदारियों का देश था। अभी अभी जो उनका प्रवास हुआ उसके अंदर भी जो उन्होंने बात की कि 2014 से पहले ये था, यानी पूरे भारत निर्माण का जो कार्य है उसके जो शिल्पी है वो अपने आप को साबित करने के लिए हिंदुस्तान के इतिहास को, हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान को बनाने में जितने लोगों ने परिश्रम किया उसमें खुद उनके भी नेता आ जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भी जो है दरकिनार कर देते हैं। राहुल गांधी कहाँ, कौन सी चीज है उनके सामने? और ये गिरिराज किशोर या कंगना रनौत, ये सारे लोग जो है वो राजनीति के अंदर तनाव बहुत रहता है, तो उसके अंदर हल्का फुल्का मनोरंजन करने के लिए ये लोग हैं, उनको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लोग भी जो है उसको गंभीरता से नहीं ले रहे। अब स्थिति ये बनी है कि सदन के अंदर राहुल गांधी बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी चल के निकल जाते हैं, देश के अंदर बोलते हैं तो मोदी जी जो है अभी चुनावी प्रक्रिया से, जो उनका सबसे ज्यादा प्रिय विषय है चुनावी भाषण करना, वहां से नदारद है। अब राहुल गांधी ने जो है विदेश में उनका पीछा शुरू कर दिया है, तो वहां का कब क्या करेंगे? वो उनका राहुल गांधी के बाद का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने जो जो बातें की, क्योंकि वहां का जो मीडिया है वो मीडिया तो भारत के मीडिया की तरह नहीं है, वो राहुल गांधी की जो बात है, जो सवाल है, उस पर भी विमर्श करेगा। और उसके बाद जाके नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, जाते हैं या नहीं जाते, अब वो भी एक सवाल उठना शुरू हुआ है, तो वो जाके क्या करेंगे। तो एक विमर्श जो है वो देश के अंदर शुरू हुआ था, जिसको इस चुनाव के अंदर बल मिला, उसी विमर्श को जो है देश से बाहर लेके जा रहे हैं।
और दूसरी एक चीज, आपने नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, उन्होंने तो अमेरिका के अंदर जाकर एक पार्टी का प्रचार किया था अब की बार ट्रंप सरकार करके, हमारे जी यहाँ नमस्ते ट्रंप करके बहुत बड़ा कार्यक्रम कर दिया था लाखों करोड़ों रुपये का खर्च करके। तो दूसरे देश के अंदर कौन प्रधानमंत्री बनेगा नहीं बनेगा उसमें आप हस्तक्षेप करते हो और विपक्ष के नेता पर यह आरोप लगाते हो कि आप जो है वो अमेरिका और चाइना का जो है इस्तेमाल करके यहाँ की सरकार जो है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हो। तो आप तो विश्व गुरु हो, आप इतने कमजोर कैसे हो गए कि राहुल गांधी की एक मुलाकात पे आपको ये डर लगने लगा कि कहीं अमेरिका और चाइना से सपोर्ट लेके ये मेरी जो है सरकार को जो है वो पलट ना दे। तो आपका रसूख, आप तो एक फोन पर रशिया और यूक्रेन का युद्ध बंद करा देते थे, अभी जब उनकी मुलाकात हुई रशिया और रशिया के बाद यूक्रेन गए तो अभी ये नैरेटिव सोशल मीडिया के अंदर उनके लोगों ने चलाया कि देखिए मोदी जी का रसूख देखिए, दोनों जो है वो अब समाधान करने के लिए तैयार है, भले ही वो मणिपुर में समाधान नहीं करा पाए लेकिन विदेश में उतना रसूख है नरेंद्र मोदी का। तो राहुल गांधी की एक मुलाकात से या एक चर्चा करने से आप वैचारिक जो बात है उसका वैचारिक आधार पर जो है जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने जो वहां पर कहा है, अगर बेरोजगारी के बारे में कहा हो, संविधान के बारे में कहा हो, देश की जो नीतिगत बाबत है उसके बारे में कहा हो, कहाँ गलत कहा है, जो डर था नरेंद्र मोदी का वो विपक्ष के अंदर छोड़ दीजिए, मीडिया के अंदर छोड़ दीजिए, खुद उनकी पार्टी में वो डर जो है वो खत्म हो गया है। आप हरियाणा में देख रहे हैं, गुजरात जो जो है उनका गृह राज्य है, इसके अंदर हम देख रहे हैं नगर निगमों के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो लड़ने लगे हैं। तो उनका जो डर था, सत्ता है वही नियंत्रण का एक साधन होती है, जब पता चलता है कि इनके पास सत्ता रहने वाली नहीं है तो उनका जो टूल है वो कमजोर हो जाता है, जो हुआ है। और अगले चुनाव जो आने वाले प्रदेश के उसमें भी जो धारणा बनी हुई है उसी प्रकार के अगर परिणाम आते हैं तो और जो है नरेंद्र मोदी पार्टी के भीतर भी कमजोर होंगे। तो अब क्या कर रहे हैं, जो जो मजबूत बन के खड़ा हो रहा है उनके सामने उसको कैसे गिराया जाए, और ये काम आज से तो शुरू नहीं किया, ये गिरिराजन कंपनी जो है पिछले 10 साल से इसी चीजों में लगी हुई है। तो ठीक कहा हमारी बहन ने कि इस चीजों की बहुत ज्यादा असर होती नहीं है, अब जो है लोग जो है वो समझने लगे हैं कि भी कौन सी चीज पर राजनीति हो रही है, कौन सी चीज जो है वो राष्ट्रनीति है। तो दोनों के अंदर अंतर करना पड़ेगा, जो हमारा रेफरल पॉइंट है वो तो संविधान है ना, वो तो कोई मजहब है नहीं। तो अगर संविधान पर चर्चा होती है, और बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, जो बता रही है कि किस प्रकार से एजेंसियों का ये सारा चीज हो रही है सरकार के अंदर, उसके बावजूद भी जो है लोगों ने डरना छोड़ दिया है, उसका मतलब कि संविधान के प्रति लोगों का झुकाव जो है वो बड़ा है, और उसको मजबूत करने के लिए जो लोग बोल रहे हैं उसके पीछे लोग खड़े हो रहे हैं। राय सर, जो बात हनुमान जी ने कही, लेकिन उसके अलावा एक खास ये भी है कि ये जो राहुल गांधी जो यात्राएं करते हैं तो बार बार ये होता है कि एक बड़ा मसाला मिल जाता है। देखिए, अब वो जो है, और अभी 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, मुद्दा विहीन रही है या भारतीय जनता पार्टी या उसके जो सहयोगी दल हैं, तो कहीं ना कहीं क्या एक मुद्दा मिल गया, एक चीज। और दूसरा जो अभी और भी बातें हम बार बार कर रहे हैं कि जो चीन के व्यापार की बात होती है, चीन का व्यापार तो वही जो कुछ चंद बड़े उद्योगपति हैं, दूसरे ढंग से हिंदुस्तान वो बिलिंग अलग तरीके से हो रही है, जो आप 80 लाख करोड़ का हो गया है वो सब दर्शाता तो यही है। क्या कहेंगे आप राजेश सर? देखिए, एक शेर है कि उनकी महफिल में हमारे चर्चे होते तो है, गाली देकर नाम लेते हैं मगर लेते तो है। राहुल गांधी ये कर रहे हैं, वो अपने चर्चा में रहे हैं। और जिस चाइना की बात कर रहे हैं, सबसे पहले झूला हमारे गुजरात के अंदर साबरमती रिवर फ्रंट पर किसने झुलाया था, खुद चाय बना के किसने पिलाई थी? तो ये जो सारी चीजें हैं वो अब पब्लिक डोमेन में है। और जहां तक बात है जो गिरिराज किशोर कह रहे हैं कि संघ को समझने में देर लगेगी, मैं तो समझता हूं कि राहुल गांधी को उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए और कहना चाहिए कि आपके संघ के किसी भी विचारक को लाइए और एक जो है डिबेट कराइए, मैं समझना चाहता हूं संघ को कि क्यों संघ ने जो है अंग्रेजों के मुखबिर बन के काम किया आजादी की लड़ाई के अंदर, जब सारा देश एकजुट होकर लड़ रहा था, आपने टू नेशन थियरी पर जिन्ना का साथ क्यों दिया, आपने अंग्रेजों का छोड़ा गया वो यूनिफॉर्म में से चड्डी उठा क्यों ली, क्यों वो मान रहे हैं कि अविवाहित लोग जो है वो ही देश की या समाज की सेवा कर सकते हैं,
व्हाइट लोग जो है वो देश के काम नहीं आ सकते, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। क्यों आपने जो है तिरंगे को फहराने में इतने साल लगा लिए देश के अंदर, बहुत सारे ऐसे सवाल है जो संघ से समझना चाहिए राहुल गांधी को, उनको कहना चाहिए कि हाँ भाई मैं समझना चाहता हूँ, एक ऐसे संघ को समझना चाहता हूँ जिसका स्थापना करने वाले गोलवलकर भी समझे थे कि नहीं समझे थे पता नहीं, उनका एक ही एजेंडा है जो कहा ना अरुण जी ने कि एक सीधी रेखा पे घोड़े का चश्मा पहनकर दौड़ना है, न सवाल करना है न कुछ आए बाएं देखना है, वहां से कुछ कह दिया वो ही करना है। और इसीलिए आरएसएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पिंजरे का पोपट, उसकी गर्दन जैसे ही दबाते हो तो जो है असर कहाँ होता है वो राहुल गांधी जानते हैं, और इसलिए बार बार उन पर अदालती कार्यवाही की गई है आरएसएस के बारे में बोलने पर, उसके बाद भी बार बार वो आरएसएस पर इसीलिए बोल रहे हैं कि आरएसएस जो है वो उनका पता है कि एक स्पाइन है, जो एक वैचारिकी उनकी जो भी है कि भाई एक नफरत की राजनीति करो या गोबल्स प्रचार कोई करो, उसका आउटसोर्सिंग ये एजेंसी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनको सत्ता दिलाने के लिए जैसे प्रशांत किशोर आजकल काम कर रहे हैं ऐसे ही जो है ये उनकी आउटसोर्सिंग एजेंसी है, जो उनके एजेंडा पर जो राजनीति में होते हुए लोग नहीं बोल पाते वो सारी चीजें वो मोहन भागवत से ये सबसे बुला लेंगे। लेकिन संघ को जो है वो गिरिराज किशोर को सबसे पहले तो मोहन भागवत को समझना चाहिए कि मोहन भागवत आजकल जो बोल रहे हैं वो उनकी उम्र के कारण बोल रहे हैं या कुछ और कारण है जो संघ जो है वो सद्बुद्धि दे रहे हैं प्रधानमंत्री को कि भाई भगवान बनने से पहले लोगों पर छोड़ दीजिए कि आप भगवान है कि नहीं। तो ये सारे कॉन्ट्रोवर्सी है और उस कॉन्ट्रोवर्सी को राहुल गांधी ने विदेश में जाकर एड्रेस इसीलिए किया है, उनको पता है कि मैं जो बोलूंगा उसकी असर कहाँ होगी। अभी सही कहा, अभी रविशंकर प्रसाद ये सारे लोग नहीं आए तो राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट पर अगर यहाँ का मीडिया जो है वो छाती पीटने लगता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है बाहर निकलती है, उससे पता चलता है कि राहुल गांधी की बात का असर हुआ है। तो ये एक थर्मोमीटर है कि जो तापमान अमेरिका में बैठे बैठे भी यहाँ के लोगों का तापमान वो जो है वो उसका अंदाजा लगा रहे हैं, और दूसरे देश के अंदर भी वो बात कर रहे हैं जो हम अपने देश के अंदर उन्होंने 10 साल तक करते रहे, भले परिणाम मिला या नहीं मिला फिर भी उसी बात पर वो डटे रहे और उनको लगा कि नहीं अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं, सब लोग ये राजनीति से बाहर आके अपने निजी मसले जो है वो रोजगार है, जो शिक्षा है, आरोग्य है, हेल्थ है, इस सारी चीजों पर जो है वो बात करने लगे हैं। तो वही चीज, और वहां इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में वो बोल रहे हैं, गिरिराज किशोर जो है वो कहां उनकी बातों की काट उनके पास रहेगी, जो कंगना रानौत की बात होती है यहाँ सरदार की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई और कंगना ये कहती है कि सरदार पटेल को अंग्रेजी नहीं आता था इसलिए उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। अब ऐसे ऐसे जोकर पाल रखे हैं इन लोगों ने, तो मैं तो उनसे जो है बिल्कुल मनोरंजन पाता हूँ, और मैं कंगना रानौत का बड़ा वर्जन में नरेंद्र मोदी को भी समझता हूँ, वो भी जो बात कहते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें की है जिससे जो है हमको आनंद मिलता है। तो हमें बहुत गंभीरता से तर्क के सामने अगर कुतर्क हो रहे हैं तो उसको हमें बहुत उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, अगर तर्क के आधार पर आपके विचार के आधार पर अगर बुद्धि के आधार पर कोई चीज कहना चाहते हो और अपनी चीज जो है वो मजबूती से कहते हो तो लोगों तक जाएगी। राहुल गांधी वहां बोले यहाँ पर मीडिया जो भी बोल रहा है, आने वाले चुनाव है उसके अंदर पता चल जाएगा कि अभी लोग जो है वो क्या चाह रहे हैं क्या हो रहा है।